और कोई कॉम्बिनेशन अगर आपको पता हो या फिर आपके फेवरेट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। एकदम जबरदस्त स्विस बिजनेस के बारे में सीरियसली सोच, है ना? चलो तो ठीक है, बाय। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सभी टाइम हुआ 2:30 PM और अब तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं, इनफैक्ट रोटीनिंग मेरा हुआ है बट इट हैपेंड एट 1 PM। इनफैक्ट कल रात मैं बहुत बहुत लेट से, इनफैक्ट टुडे इन द मॉर्निंग आई स्लेप्ट एट 4 AM फॉर सम रीजन। मेरे को नींद ही नहीं आ रही, आजकल मेरी नींद बहुत इंस्टॉलमेंट में हो रही है। रात को 3-4 घंटे, फिर शाम को 1 घंटा, ऐसे कैसे ना कैसे मैं 6 या 7 घंटे की नींद पूरी कर रहा हूँ पूरे दिन में, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। इवन मेरा चेहरा और मेरी आँखें भी एकदम पफ्ड अप है एज यू कैन सी इन द वीडियो। सो अभी आज मैं एकदम मेरा वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ, जो कि मैं तरसा था जिसके लिए बहुत दिनों से। और अगर आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा है तो हमने एक बार दुबई से जहाँ पे ऑथेंटिक इंडियन पाव मिलते हैं, यस दोस्त, ऑथेंटिक इंडियन पाव मिलना दुबई में बहुत रेयर है। कुछ ही रेस्टोरेंट्स में, कुछ ही जगह पे वो मिलते हैं। वैभव रेस्टोरेंट इज वन ऑफ देम एंड सो दिस रेस्टोरेंट इन दुबई इज अदर। सो उधर से हमने बहुत सारे 20 पाव लेके आए थे और आज मैं मेरा बहुत फेवरेट ब्रेकफास्ट करना, जो कि है एक ऑमलेट और पाव। अभी ये कैसा लग रहा है? ये दो आँखें, ये नाक और ये नाक बह रहा है। एकदम फ्रेश फ्रेश पाव। इसके साथ ओपन करने वाला मैं खजाना, खजाना है ओए, ये नहीं, सॉरी आलू की सब्जी है। गलत बॉक्स ओपन किया, गलत घंटा। फाफड़ा और जलेबी, वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ये पूरा मेरा एक्चुअली लंच ही हो गया, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों टुगेदर, ब्रंच। यार कुछ भी बोलो, जो देसी कॉम्बिनेशन कुछ बने हैं ना खाने के, एकदम लाजवाब है और एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उनकी केमिस्ट्री एकदम एक साथ बहुत मस्त जुड़ी है, जैसे कि एक हफरार पाव, भुर्जी पाव, फाफड़ा जलेबी, वड़ा पाव, फिर छोले भटूरे, पाव भाजी, यस मिसल पाव, फिर डोसा चटनी, इडली सांभर, मेदू वड़ा सांभर, एकदम परफेक्ट केमिस्ट्री जुड़ी है, क्या बोलती है। और कोई कॉम्बिनेशन अगर आपको पता हो या फिर आपके फेवरेट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, हम लोग जरूर ट्राई करेंगे उसको। What is this? Yes. Any combination that you like? Pitla bhakri. Other than और, this? मेरे तो बहुत सारे options हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। मैं भी comment section में बता देती हूँ। Sandwich, आलू sandwich. आलू sandwich, आलू और। और अरे चार items भूल गए हम लोग। पानी पूरी, बेल पूरी, बेल पूरी, रगड़ा पूरी, Chinese item भी भूल गए हम लोग। मतलब ऐसा लगता है ना कि ये दो आइटम, मतलब फॉर एग्जांपल अभी भुर्जी और पाव, ये एक दूसरे के लिए ही बने थे। हालांकि पाव बहुत जनों के लिए बना था, आलू भी बहुत जनों के लिए बना था। आलू के बिना कुछ होता ही नहीं है। आलू भी बहुत जनों के लिए बना था। मतलब आलू है ना सबका म्यूचुअल फ्रेंड है। या एग्जैक्टली। आपने हमारा होम टूर का ब्लॉग दिखा रहेगा तो उसमें मैंने कहा था कि हमारे बराबर सामने वाले बिल्डिंग पे 2 पैरट्स आके बैठे, इनफैक्ट पहले 5 आके बैठते थे, 5 या 7 आके बैठते थे, लेकिन लेटली सिर्फ 2 आके बैठने लगे। इनफैक्ट वो पेयर है और वो होम टूर के ब्लॉग में एब्सेंट थी, उन्होंने हमें दगा दे दिया, लेकिन आज वो मेरे को दिख रहे हैं। सो मैं उस टाइम की जो मिसिंग पेयर थी पैरट्स की, वो आज दिखाता हूँ। सो वो देखो उनके शॉट्स, अभी स्वागता ले रही है। चलो स्वागता के कैमरा में घुस जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, और उसकी टेल इतनी बड़ी दिखाई दे रही है ना। अलग अलग क्यों बैठे आज? पता नहीं, शायद उनका झगड़ा हो गया है। इसलिए नहीं तो हमेशा पास में बैठे। बहुत बड़ा है, राइट राइट साइड वाला बहुत बड़ा है। हमें टेल टेल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। एकदम ज़ूम कर और ज़ूम कर, थोड़ा सा स्टेबल रख के। इतना ही होएगा, फिर बाद में वो ब्लर होता है। स्वागत करिए ब्लॉग की एडिटिंग। कौन सा ब्लॉग है? होम टूर के बाद वाला, राइट ब्लॉग है, लेकिन मुझे वापस कम करना पड़ा। क्यों पता है? क्योंकि जो मैंने सॉन्ग लिया तो कॉपीराइट क्लेम आ गया। ओह माय गॉड, तो अभी फिर लेकिन तूने तो अपलोड भी नहीं किया था, राइट? अपलोड किया था, मैंने चेक किया, पर वो उधर मॉडल चेक ऑफ दिखाई दे रहा है, वापस से काम। तो स्वागत एडिटिंग कर रही थी, मतलब कर रही है अभी भी। मैं उसको थोड़ा सा तंग कर रहा था मेरे 90s की गाने चला के इस ब्लूटूथ स्पीकर पे, बिकॉज़ आई हैव लिटरली फेल इन लव विद दिस ब्लूटूथ स्पीकर। इट्स वेरी यू नो कॉम्पैक्ट एज वेल एज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड द क्लैरिटी इज अमेजिंग। इट्स अ JBL। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। ये मैंने पिछले वाले ब्लॉग में इनफैक्ट दिखाया था आपको, लेकिन इस ब्लॉग में फिर से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रिकमेंड दिस एंड इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन दो, बट स्टिल आई लिटरली फेल इन लव विद दिस अमेजिंग कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट ऑफ JBL। गाइस अभी वैसे तो इस रूम में, मतलब किचन में हमेशा आते रहता हूँ सिर्फ खाने के लिए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो मुझे खींच के लेके आया किचन में। एग्जैक्टली, मैं आराम से हॉल में गाने सुन रहा था 90s के अपने ब्लूटूथ स्पीकर पे, जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, लेकिन
अभी थोड़ी देर पहले मतलब एक 5-10 मिनट पहले कुछ ऐसा हुआ जो मुझे खींच के यहाँ लेके आया है। स्वागता कुछ स्पेशल बनाने जा रही है, रादर बना रही है, मतलब खाना बन गया है, लेकिन उसका जो अरोमा है, उसका जो सुगंध है, वो पूरे घर में पहुंचा है। सो अभी मैं क्विकली दिखाता हूँ आपको वो क्या बन रहा है, आप भी हैरान हो जाओगे। और ये हमारे घर में 2-3 साल के बाद बनी, नॉर्मली घर पे चीज बनती नहीं है, हम लोग हमेशा बाहर खाते हैं। सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेस्ड इट। सो हियर इट इज गाइस, स्वागता प्रेजेंट्स द वड़ा पाव। सच सच बता, टेस्ट इज गुड बट इट्स डैम हॉट, बट टेस्ट इज अमेजिंग। नमक वमक बराबर है ना? नमक एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बता मेरे फ्रेंड को जी देने। मुझे पता है, उस हिसाब से ही बता रहा, एकदम परफेक्ट हमारे। वेरी गुड। और स्वागत, तुमने कितने सारे वड़ा पाव मतलब वड़ा बनाए, माय गुडनेस इतने वड़े। यस, इतने वड़ा लेके क्या करेंगे हम लोग? मैं सोच रहा हूँ कि दुकान ही डाल देते हैं हम लोग, ठेला नीचे। व्हाट डू से? तू बेटे का ठेले पे। अगर लिटरली हमें सोचना चाहिए सादा, वड़ा पाव की टेस्ट एकदम जबरदस्त हुई, इस बिजनेस के बारे में सीरियसली सोच, है ना? यस, वड़ा पाव का हम लोग गाड़ी गाड़ी तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वड़ा पाव का हम लोग शॉप डाल सकते हैं। चलो ठीक है, खाली वड़ा पाव ना कि और कुछ वो देखते हैं अभी, और क्या अच्छा बना दिया अभी। समोसा मेरे इधर देख रहा नहीं है, चखा नहीं है, बट समोसा इज वेरी डिफिकल्ट। समोसा यस यस, वो जो कोन बनाते हैं ना अभी 20-25 वड़ा पाव तो हमने बना लिए, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करे हम लोग, हमने चटनी बनाई नहीं है, और चटनी बनाने के लिए टाइम भी नहीं है, क्योंकि स्वागता को उसकी फ्रेंड को भी देना है वड़ा पाव, और हु वी आर गोइंग टू मीट इन द मॉल, बट वो अभी कुछ हाफ एन आवर में मिलने वाले हैं। तो ऑफकोर्स चटनी घर पर बनाने के लिए हमें टाइम, लेकिन अदरवाइज घर स्वागता घर पर चटनी भी बहुत अच्छा बनाती है, डेट्स वेट डाल के घर की चटनी अच्छी होती है, लेकिन बट स्वागता के पास एक वर्क अराउंड है। नाउ यू वुड हैव हर्ड, आई मीन दोज हु आर लिविंग इन एंड अराउंड दुबई वुड डेफिनेटली हैव हर्ड अबाउट अल्लादिल। अल्लादिल इज अ इंडियन ग्रॉसरी शॉप जहाँ पे वड़ा पाव की ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल चटनी मिल जाती है, तीखी भी और मीठी भी। ये स्वागता ने फिगर आउट कर लिया था जब भी उसने अल्लादिल लास्ट विजिट किया, राइट? हाँ, मैंने ब्लॉग भी बनाया था, मराठी ब्लॉग। यस, सो अभी हम लोग फटाफट से जाने वाले हैं, और लकीली वो नज़दीकी है उधर से, ना कि उनके लिए, सिर्फ हमारे लिए भी चटनी लेके आने वाले हैं, बिकॉज वड़ा पाव गोज परफेक्टली वेल विद चटनी, तीखी एज वेल एज मीठी चटनी, एंड विदाउट ईदर ऑफ देम इट लुक्स, इट टेस्ट लिटिल फीका फीका फीका। सो गाइस, ये मैंने उनके लिए वड़ा पाव पैक कर लिया है, और एक काम कर सकता था, 2-3 दिन हमारे लिए भी ले ले, तो जैसे ही चटनी मिलेगी हम लोग भी खाएंगे, और उधर से मैं सीधा जाऊँगा जिम, तेरे को ड्रॉप करूंगा इधर घर पे। आ गया हमारा शॉप, अभी हम लोग जाएंगे। अभिषेक क्या हो रहा है तुझे? हाँ, शायद ये सेक्शन में है वड़ा पाव की चटनी। रुक रुक रुक, इतना भाग मत। ये सेक्शन में? कौन सा सेक्शन में? मिल गई तुझे? ये समोसा चटनी है, बट सेम वो वड़ा पाव। ये चलेगी इसमें? हाँ, सीधे ग्रीन इंग्रेडिएंट्स ना, जैगरी टैमरिंड यही चाहिए, राइट? मिक्स स्पाइसेस, ठीक है। जैसे अवार्ड मिल गए थे नाशरा, और कौन सी सूखी चटनी किधर है? नहीं, सूखी चटनी नहीं मिल रही है यार, वो तो मेन थी। मेरे को चलेगा मीठी? हाँ चलो फिर। हाँ चलो, कितने का है? 4 दिरहम। एक भी लग जाओ। तू इधर आता ना ऐसे ही करता अभिषेक, ये ले वो ले, इसलिए तू मेरे को इस समय आने नहीं देती, इसलिए आने नहीं देती हूँ मैं। चल एक लग जाओ, मैं बस खत्म। अभी सारी चटनी गिरने वाली थी, जाने वाले ममदार बीच, क्योंकि आज हमने दिन भर में इतना अनहेल्दी खाया, मतलब प्रोटीन की मात्रा
बहुत ही कम थी, कार्ब्स ढेर सारे खाए मैंने। मैंने प्रोटीन ड्रिंक लिया लेकिन इतने सारे तूने वड़ा पाव दे दिए ना, पूरा दिन अनहेल्दी सा लग रहा है। So, खाने के टाइम तो इतनी तारीफ कर रहा था, वड़ा पाव क्या मस्त है। अभी अनहेल्दी ऐसे मत बोला, हम कभी तो 3 साल में एक बार मैंने वड़ा पाव बनाया। मैं वही बोल रहा हूँ, वड़ा पाव की टेस्ट इतनी अच्छी थी कि मैंने ढेर सारे वड़ा पाव खाए, तो उसकी ढेर सारे वड़ा पाव खाए इसलिए डे अनहेल्दी हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ममदार बीच, वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करते हैं और उसके बाद नारियल पीते हैं। नहीं, पहले नारियल पानी पीते हैं। पहले नारियल पानी, हाँ, क्योंकि मेरे को नारियल। और मैंने अब 5 एग ऑमलेट खाया है, सो कितनी गर्मी गई है मेरे, हाई गर्मी या मेरे शरीर में पूरी हाई गर्मी हो गई। चलो नोरा पति, तो इसको लेके जाती हूँ जरा। तू तो एटलीस्ट जिम करके आया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया आज। चलना अभी तेरे को वॉक करवा दो। इनफैक्ट हम लोग गए थे ऊपर, लेकिन हमारा जिम 10 बजे बंद होता है सोसाइटी का, लेकिन मेरा जिम 3 बजे तक खुला रहता है। रात के 3 बजे तक? या रात क्या सो देखे हैं और ट्रेनर को सो देखे हैं? नहीं, रमादान टाइमिंग के लिए। ओह आई सी। और तूने लिफ्ट का बटन ऑन ही नहीं किया, ग्राउंड दबाया नहीं ऐसे जो? देखा, बीवियों का ध्यान हर जगह होता है, कोना कोना होता है। कचरा साफ करने के लिए, कचरा साफ, रोड साफ करने के लिए। हाँ, ए, कितनी क्यूट है। हेलो, टेंडर कोकोनट मिलेगा क्या अभी? हाँ, मैं हम लोग आते आते उधर, एक 2 मिनट में पहुँचते हैं, ठीक है? ओके, हाँ, हम हमारे लिए रखना प्लीज, 3 रखना। वो नहीं, वो दूसरा लेके। थैंक यू, अब इसमें डाल। अभिषेक को काम पे लगाया मेरे, जल्दी। अच्छा, इसलिए तू मुझे दे रहा था क्या? भी नहीं सकता नीचे। सो गाइस, ये हम हैं, किधर गया हूँ, हाँ। सो गाइस, ये हम हैं और ये ममदार बीच है और यहाँ पे हमारी वॉकिंग हो रही है। तो ये सेम डायलॉग मेरी फ्रेंड के डॉटर ने मुझे भेजा था, एकदम क्यूट तरीके से मुझे भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं ये डाल दूँ और उसको दिखा दूँ, तो उसका मैं छोटा सा क्लिप यहाँ पे आपको लगा दूँ। ये हम हैं, ये मेरे मम्मी और पापा हैं और वो दोनों वॉक कर रही है, मैं भी वॉक कर रही हूँ। चलो तो ठीक है, बाय। स्वागत है। तो अभी हम लोग वॉक करने वाले हैं और ब्लॉग को एंड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा वॉकिंग ट्रिप बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, 1.5 किलोमीटर हम लोग वॉक करने वाले हैं आराम से। तो अभी हम थोड़ा ऑन टाइम भी एंजॉय करते हैं और इस ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है और कमेंट भी करना है। यस, और क्या करना है? ऑफ कोर्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, एकदम फ्री है। चलो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय लाइफ। बाय बाय। बोल ऐसे, बाय ऐसा करो, बाय।